दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेसबुक में वॉच आइकन कैसे लाते हैं। तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं और अभी आप अपने यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कोई भी वॉच आइकन नहीं है। तो यहां पर हमको वॉच आइकन लाना है। तो लेने के लिए क्या करना है, चलना है मेनू में। आप चलिए गए यहाँ पर मेनू में और मेनू में क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। जस्ट उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सेटिंग का। यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखता है आपको नेविगेशन बार। ये शॉर्टकट बार के भी नाम से कई लोगों फ़ोन में शो करता है, तो आप देख लीजिएगा आपके फ़ोन में क्या शो कर रहा है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज द बार यानी पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सब ऑप्शन दिए हैं शॉर्टकट, आपको यहाँ पर देखेंगे फेस वॉच का, ठीक है ना। तो वॉच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको पिन पर क्लिक करके देन बैक हो जाना है। बैक होने के बाद एक बार मोबाइल ऐप फेसबुक को यहाँ से हटाकर फिर से फेसबुक ऐप को ओपन करना है। और अब आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर फेसबुक आइकन जो वॉच आइकन है वो आ चुका है। आप इस पर क्लिक करके वीडियो, रील्स, गेमिंग, लाइव सब कुछ देख सकते हैं। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से फेसबुक में वॉच आइकन ला सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।